हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपसे ये मार्स का आई शेडो पैलेट, जो कि द सिटी पैराडाइज विच इज़ इन दिलवालों की दिल्ली, जो कि ये है वेरिएंट का। इसमें कई वेरिएंट्स आते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे पास दिलवालों की दिल्ली वाला वेरिएंट है एंड बैक ऑफ द पैलेट यहाँ पर सब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इंग्रेडिएंट वगैरह सब, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट। साथ ही इसका जो प्राइस है 399 रुपीज़ में आपको मिलता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएटेड पैलेट है ये, आप देख सकते हैं। एंड ओपन करते ही एक ये प्लास्टिक रैपर मिल जाता है, जो यूजुअली सभी पैलेट्स में आपको मिलेगा, ताकि शेडोज सेफ रहे, एक दूसरे को ये ना करें, डिस्टर्ब ना करें। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 9 आई शेडोज, ए हाईलाइटर, ब्लशर, ब्रॉन्जर एंड फेस पाउडर भी आपको मिल जाता है, तो परफेक्ट है पार्टी लुक क्रिएट करने के लिए। इसमें आपको ये जो है शेडोज, इसमें आपको मैट मिलता है, शिमर मिलता है एंड 9 शेडोज परफेक्ट है। ट्रेवल फ्रेंडली किट है ये एक, आप देख सकते हैं, साथ में ही फेस किट का भी काम करता है। तो इसके स्वॉचेस भी आगे मैं शेयर करूँगी एंड आई मेकअप भी क्रिएट करूँगी इस फुल पैलेट को यूज़ करके। सो एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके पैकेजिंग की बात करते हैं अब हम। तो ये जो है ये मैग्नेटिक है, ओपनिंग क्लोजिंग आप देख सकते हैं, जल्दी से नहीं खुलेगा ये, आप ओपन करोगे तभी। इसमें एक मैग्नेट है जिससे ये इजीली ओपन एंड क्लोज हो जाता है, तो परफेक्ट है, ट्रेवल फ्रेंडली है ये मेकअप किट। तो चलिए जल्दी से अभी हम स्वॉचेस भी देखेंगे और यस आई मेकअप भी करेंगे। तो पहले स्वॉचेस देखते, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊँगी एक एक करके। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हाईली पिगमेंटेड है एंड यस मुझे ज़रा भी ये पाउडरी फील नहीं हो रहा है। इसका जो इवन शिमर है ईजिली ग्लाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं, एकदम क्रीम फॉर्म में है इसका, बट क्रीमी, एकदम क्रीमी टेक्सचर है, क्रीम फॉर्म में नहीं है, क्रीमी टेक्सचर है काफ़ी। मैट आई शेडोज़ का भी एकदम क्रीमी, एकदम बटरी टेक्सचर है इसका, बट क्रीम फॉर्म में नहीं है, पाउडर फॉर्म में है, लेकिन पाउडरी भी नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अभी ये लास्ट वाला रो है, इसका भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है ये। सो इससे आप डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं एक पैलेट से, एंड आप देख सकते हैं। तो ये स्वॉचेस तो बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं आप, इतने पिगमेंटेड है कि स्वाइप करने के बाद भी मेरे हैंड में रह गया था। बट इसका ये जो हाइलाइटर है, मैं कई बार गोल गोल घुमा रही थी फिंगर से उसका स्वाइप शेड ये करने के लिए, बट बट वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर ठीक है, तो इसे हम अप्लाई करके देखेंगे ये दिखाई देता है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लश ट्राई कर रही हूँ अब मैं इसका। तो आप देख सकते हैं मैं खुश थी कि हाइलाइटर तो इतना दिख नहीं रहा था, बट ब्लश काफ़ी अच्छा वर्क किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं किया है मैंने। अब यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर लिया है, अब हम हाइलाइटर ट्राई करके देखेंगे, ब्रॉन्जर हम बाद में ट्राई करके देखेंगे एंड ऑफ दी मेकअप लुक, ठीक है। तो यहाँ पर हाइलाइटर मैं चीक्स के हाई पॉइंट पर अप्लाई करके देखूँगी। तो यहाँ पर काफ़ी रब करने के बाद ये वाला मुझे शाइन देखने के लिए मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। तो ये जो हाइलाइटर ये काफ़ी सटल सा हाइलाइटर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको स्लाइट सा चंकी पार्टिकल्स भी देखने के लिए मिलेगा, सो इफ़ यू आर ओके विद इट यू कैन गो फॉर इट। तो बुरा नहीं है एट द प्राइस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है 399 रुपीज़ में, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी काफ़ी लंबी दी गई है, तो आप काफ़ी आराम से यूज़ कर सकते हैं इस पैलेट को छोटू से। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे ये काफ़ी ग्लोई ग्लोई सा शाइन प्रोवाइड कर रहा है ये हाइलाइटर। तो चलिए आई मेकअप भी ट्राई कर लेते हैं अभी ये किस तरीके का होता है। तो ये डिटेल में बता रही हूँ, ब्रॉन्जर, हाइलाइटर, ब्लश और ये फेस पाउडर, ठीक है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं अभी ये आई मेकअप। तो यहाँ पर बहुत सारे शेड्स दिए गए हैं, इसमें से अब मैं चूज़ करूँगी मुझे कौन सा आई मेकअप करना है। तो उससे पहले हम अप्लाई करेंगे कंसीलर अपने आईलिड पर बिफोर अप्लाइंग आई शेडोज। तो कभी भी आई शेडो अप्लाई करने से पहले प्राइम कर ले अपने लिड को, या तो कंसीलर से या फिर आई शेडो प्राइमर से, ठीक है। ये मेन स्टेप होता है जो कि मैं अपने हर एक आई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस में बताती हूँ आपको। देन लूज पाउडर के हेल्प से हम इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद ये वाला शेड मैं पिक कर रही हूँ एंड इसकी पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं, माई गॉड बहुत ही अमेजिंग है। तो इसको मैं डायरेक्टली अपने क्रीज पर ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि हैज़ अ मेरा ट्रांसिशन शेड वर्क करेगा। तो इसको अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, बट इसको मैं चेक करूँगी, टेस्ट करूँगी कि ये पैची ना हो और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है कि नहीं होता है, ये मैं लास्ट पे बताऊँगी आपको एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना।
तो ये छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश में मैंने वही सेम शेड लिया है जहाँ पर मैं अपने क्रीज को एंड आउटर कॉर्नर ऑफ वी को इंटेंसीफाई करूँगी शेड के साथ। ठीक है, डीपन अप कर रही हूँ मैं। तो ये काफ़ी ईजिली ब्लेंड तो हो रहा है जैसे कि मुझे चाहिए, हैज़ अ ट्रांजिशन तो हैज़ अ ट्रांजिशन वर्क कर रहा है, मैं डीपन अप कर रही तो डीपन अप हो रहा है, यू नो बोथ वे में काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है ये। तो ब्लेंड कर लिया एक बार अच्छे से। नेक्स्ट ये वाला शिमर लिया है मैंने एंड इसको मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी बिना कट क्रीज किए हुए एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो गया है मेरे यू नो आईलिड पे अच्छे से अप्लाई हो गया, एप्लीकेशन अच्छी हो गई आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा मेहनत नहीं की है क्योंकि यू नो रिज़ल्ट आपके सामने ही है, बहुत जल्दी से अप्लाई हो भी गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लोअर लैश लाइन पर अभी अप्लाई करूँगी शेड। तो यहाँ पर ये शेड ब्लू पिक किया है मैंने क्योंकि समर स्टार्ट हो चुका है तो ये वाला लुक क्रिएट करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर ब्लू शेड मैं लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से एंड जो पाउडर शेड दिया था उसके हेल्प से मैं इसके एजेस को ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये वाला शिमर ले रही हूँ मैं ब्लू के बाजू का ही। तो यहाँ पर मैंने शिमर अप्लाई कर लिया है एंड ये भी काफ़ी ईजीली अच्छे से अप्लाई हो गया है तो समर के लिए परफेक्ट है ये वाला आई लुक। इसके लिए मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है। लोअर लैश जो भी मैंने अप्लाई किया था वहाँ पर मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है यूजिंग दैट फेस पाउडर एंड काफ़ी ईजिली और अच्छे से ब्लेंड हो गया है मेरा आई शेडो, आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अभी हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो हाइलाइटर के लिए वही यू नो काफ़ी स्वाइप करने के बाद ये हाइलाइटर मुझे पिगमेंटेशन ब्रश पे मिली है। मुझे थोड़ा सा हाइलाइटर से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि रिजल्ट आप देख सकते हैं उसको इतना शाइन ही नहीं था एज अ हाइलाइटर, आप देख सकते हैं इतना पिगमेंटेशन नहीं है, पिगमेंटेड नहीं है हाइलाइटर इसका। तो ठीक है, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के इससे ठीक है तो इससे मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि बाकी इसके जो आई शेडोज़ है, ब्रॉन्जर है और ब्लश है, फेस पाउडर है, काफ़ी सब अच्छे है, कोई एक तो यू नो माइनस पॉइंट होता ही है सब में। बाकी आई शेडो ईजिली ब्लेंड हो गया है, कुछ भी पैची नहीं हुआ है, सब ईजिली हो गया था। देन यहाँ पर अभी मैं ब्रॉन्जर आपको अप्लाई करके बताऊँगी। तो यहाँ पर ब्रॉन्जर अप्लाई आप करके मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, बस जो हाइलाइटर था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सो हैज़ यू कैन सी यहाँ पर मैंने आई लुक को ऑलमोस्ट यू नो कम्प्लीट कर लिया है। तो मैं ऑफ कैमरा आई लाइनर वगैरह अप्लाई करके आपको फाइनल लुक बताऊँगी कि ये किस तरीके से दिखता है आफ्टर अप्लाइंग आई लाइनर। सो आई विल बी बैक सून। तो यहाँ पर मैंने आई लाइनर अप्लाई कर लिया है, वाटर लाइन पर वाइट काजल को अप्लाई किया है, मस्करा अप्लाई किया है आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके स्वॉचेस भी मैंने शेयर किए हैं और इसका लुक भी, तो रिज़ल्ट आपके सामने है तो आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरे से तो आप ये पैलेट डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, बस इसका जो एक माइनस पॉइंट है जो मुझे पसंद नहीं आया है वो हाइलाइटर है। बहुत ही यू नो काफ़ी स्वाइप करने के बाद ब्रश पर उसका जो है पिगमेंटेशन आपको मिलेगा एंड इसमें स्लाइट चंकी पार्टिकल्स भी है। तो आई मेकअप मैंने क्रिएट किया है, आपको कैसा लगा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर डू सब्सक्राइब और या दैट्स इट। आई होप आपको आज का ये लुक पसंद आया होगा। सो अगर मैं कहूँ ये पैलेट अगर आपको लेना है तो आप आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास और भी हाइलाइटर है तो ठीक है चल जाएगा, एट यू नो दिस पॉइंट प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है चलो ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाइलाइटर ठीक ठाक है, इतना खास नहीं है। बाकी स्वॉचेस आप देख सकते हो बहुत ही यू नो शेडोज़ काफ़ी अच्छे हैं, टेक्सचर उसका एकदम क्रीमी सा है, पाउडरी बिल्कुल नहीं लगेगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दूंगी तो आप परचेस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।